बेटे की शादी में बन ठनकर पहुंची नीतू कपूर और साथ में रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा। नीतू कपूर ने बताया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल है जो मैं हमेशा याद करूंगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बन चुके हैं। आलिया और रणबीर के वास्तु में सात फेरे लिए जाएंगे। उनकी शादी में कपूर फैमिली पहुँच चुकी है और उनकी फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। बेटे रणबीर कपूर की शादी में नीतू कपूर बन ठनकर पहुंची। उन्होंने पिंक और येलो कलर का लहंगा पहना हुआ है जिसमें बेहद ही खूबसूरत लग रही है। नीतू कपूर सास बनकर ऐसा लगता है बेहद खुश नज़र आ रही है। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा की बात करें तो उन्होंने भाई की शादी के लिए गोल्डन आउटफिट चुना है। रिद्धिमा ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना है जिसे ग्रीन ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है। उनकी ज्वेलरी उनके लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। रणबीर और आलिया की शादी में करीना कपूर, सोनी राजदान, शाहिद भट्ट सभी पहुंच चुके हैं और सभी की फ़ोटो लगातार सामने आ रही है। अगर आलिया और रणबीर की शादी की डेट की बात करें तो डेट तो उन्होंने 14 अप्रैल को ही बताई थी। वहीं प्री वेडिंग फंक्शन, चाहे वो मेहंदी हो या लेडी संगीत, वो 13 तारीख को ही कंप्लीट कर दी गई थी। उनके जो भी शादी के फंक्शन है वो किसी होटल में करने की बजाय उन्होंने अपना घर वास्तु को चुना है। करीना कपूर शादी के लिए पिंक जोड़ी में काफ़ी सुंदर लग रही है। वहीं करिश्मा कपूर भी अपने कज़न भाई के लिए बिल्कुल बन ठन कर आई है। यहाँ अगर बात करें तो रणबीर के पिता ऋषि कपूर की, जिनको सभी लगभग मिस कर रहे हैं क्योंकि बेटे की शादी में अगर पिता ना हो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। नीतू कपूर ने बताया ये बात। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।